हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन को लैपटॉप के अंदर किस प्रकार चलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन को लैपटॉप के अंदर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है और कुछ भी नहीं करना। आपको अपने मोबाइल के अंदर एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को लैपटॉप के अंदर आसानी से चला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर चलिए, मोबाइल के अंदर हम प्ले स्टोर को क्लिक कर ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया। फिर आप प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे स्क्रीन स्ट्रीमिंग के नेम से। ये देखिए, ये फर्स्ट में ही आ गया। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन स्ट्रीमिंग नाम से ये ऐप है। फिर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। हमने भी इंस्टॉल कर रखा है हमारे सिस्टम के अंदर, आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा इंस्टॉल है तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ओपन हो गया स्क्रीन स्ट्रीमिंग ऐप मोबाइल स्क्रीन के लिए। फिर आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे हम गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे सिस्टम के अंदर ब्राउजर ओपन हो गया। फिर क्या करना है, हमारा जो हमने स्क्रीन स्ट्रीमिंग ऐप इंस्टॉल किया है हमारे मोबाइल के अंदर, उसे ओपन कर लेंगे। और उसमें आपको यहाँ देखिए एक कोड दिखाई देगा, डिवाइस एड्रेस। ये देखिए आपको अपने मोबाइल के अंदर जो ऐप इंस्टॉल किया है उसके अंदर आपको एक डिवाइस एड्रेस शो करेगा HTTP 192 के नाम से। आपको क्या करना है, जो भी हमने हमारे सिस्टम के अंदर ब्राउजर ओपन कर रखा है उस ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। और उसके अंदर ये देखिए, आपको यहाँ ऊपर एक लाइन सर्च बार दिखाई देगा, उसके अंदर हम हमारा जो कोड है स्क्रीन का वो कोड टाइप कर लेंगे। जैसे कि हमारा कोड क्या था, वो HTTP। ये देखिए HTTP शिफ्ट के साथ कोलन, फिर / 192.168.43.1, फिर कोलन, फिर 8080। ये हमने टाइप कर लिया डिवाइस एड्रेस। फिर हम इस डिवाइस एड्रेस पर क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये देखिए, हमने वो डिवाइस एड्रेस एंटर कर दिया। फिर ये देखिए, यहाँ पे आपको नीचे एक बटन दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्टॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले स्टार्ट बटन था लिखा हुआ, तो हमने इसे स्टार्ट पर क्लिक कर दिया था तो ये हमारी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है मोबाइल की। इस प्रकार आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने लैपटॉप के अंदर आसानी से चला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।